मूवी की शुरुआत होती है तो हम थॉमस को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड मिमी के साथ एक आर्ट गैलरी में आया हुआ था। थॉमस रिसेंटली कॉलेज ड्रॉप आउट हुआ है तो वो एक राइटर बनना चाहता है। वैसे थॉमस की फैमिली काफी रिच है लेकिन वो किसी भी तरह से उनकी हेल्प लेना नहीं चाहता। वही वो मिमी से वन साइडेड लव करता है पर उसका बॉयफ्रेंड होने की वजह से आज तक वो उसे इसके बारे में कुछ कह नहीं पाया। थॉमस और मिमी ने एक रात साथ बिताई थी तब से वो मिमी से प्यार करने लग गया था। अब यहाँ मिमी थॉमस को बताती है उसे कुछ टाइम के बाद एक काम के सिलसिले में दूसरी कंट्री में जाना पड़ सकता है। थॉमस ये सुनकर अपसेट हो जाता है, वो उससे प्यार करता था इसलिए ऐसे जाने नहीं दे सकता था। थॉमस यहाँ मिमी को बोलता है वो उसके साथ बिताई उस रात के बाद उसे प्यार करने लगा है। तो मिमी बताती है उस रात का कोई मतलब नहीं है, उस रात वो दोनों ही काफी ड्रंक थे, उन्होंने ड्रग्स भी ली हुई थी। मिमी का बॉयफ्रेंड था इसलिए वो थॉमस को मना करके वहाँ से चली जाती है कि उनके बीच कुछ भी नहीं हो सकता। वही थॉमस भी घर जाने लगता है तो बाहर उसे एक स्ट्रेंजर मिलता है जिसका नाम गेराल्ट होता है। गेराल्ट को पता चल जाता है कि लड़की का मामला है तो वो थॉमस को हेल्प करने को पूछता है पर थॉमस उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो इसके बारे में सोचता है तो वो वापस गेराल्ट के पास जाकर बात करने लगता है। गेराल्ट थॉमस की सिचुएशन समझ कर उसे कुछ टाइम के लिए मिमी से दूर होने को बोलता है, अगर वो ऐसा करेगा तो मिमी उसकी कमी महसूस कर पाएगी पर यहाँ थॉमस को ये सब समझ नहीं आता। वहीं एक रात जब वो मिमी के साथ मूवी देखने गया होता है तो वो अपने डैड इथन को देखता है जो किसी लड़की के साथ था। इथन के अफेयर के बारे में पता चलने पर उसे अपनी मदर के लिए काफी बुरा लग रहा था। वहीं अगले दिन थॉमस इथन के साथ लंच पर जाता है तो वो उससे अफेयर के बारे में पूछना चाहता था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वो ये सब बात कैसे करे। और फिर इथन यहाँ थॉमस को एक कैरियर काउंसलर से मिलने को कहता है जो उसके कैरियर के लिए सही हो सकता था। वैसे तो इथन भी अपनी लाइफ में एक अच्छा राइटर बनना चाहता था लेकिन उसमें इतना टैलेंट नहीं था तो उसने अपनी पब्लिशिंग कंपनी बना ली जो कि काफी सक्सेसफुल रही। इसके बाद हम थॉमस को मिमी के साथ देख सकते हैं जो इथन के ऑफिस के बाहर नजर रखे होता है। पर कुछ देर बाद ही वो जोहाना को वहां से जाते हुए देखता है तो वो उसे बात करने के लिए उसका पीछा करता है। जोहाना थॉमस को जानती थी इसलिए वो उसे लंच के लिए लेकर जाती है जहाँ थॉमस उसे समझाने की कोशिश करता है उसके डैड एक मैरिड मैन है, उसके साथ उनका कोई भी फ्यूचर नहीं है। यहाँ पर जोहाना कुछ समझने की बजाय ये बोलने लगती है कि उसे कुछ भी पता नहीं है कि उसके मॉम डैड के बीच क्या चल रहा है। यहाँ जोहाना ये भी बोलती है कि कई बार लोग बिना किसी मतलब के भी चीजें करते रहते हैं। वो थॉमस से पूछती है वो भी उससे अट्रैक्ट तो नहीं हुआ है। ये सुनकर थॉमस मना करते हुए वहाँ से चला जाता है। वो जब अपनी मदर के साथ होता है तो उसे सब सच बताना चाहता था उसके डैड दूसरी लेडी के साथ क्या कर रहे हैं लेकिन ये सब बताने की उसकी हिम्मत नहीं होती। थॉमस ये सब गेराल्ट को बताता है तो गेराल्ट उसे पूछता है वो जोहाना को लाइक तो नहीं करने लगा। अब थॉमस पहले तो इसके लिए मना करता है पर बाद में इसके लिए मान जाता है। वहीं एक रात थॉमस मिमी के साथ इथन के ऑफिस की पार्टी में जाता है जहाँ जोहाना भी आई हुई थी। वो एक रिच आदमी के साथ आई थी इसलिए थॉमस अकेले में उसे पूछता है क्या वो ये सब सिर्फ पैसों के लिए करती है तो जोहाना गुस्सा हो जाती है। इनके बीच फाइट होने लगती है और इसी बीच ये किस करने लगते हैं। कुछ देर बाद ये दोनों रोमांटिक होकर यहाँ से चले जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं एक दिन गेराल्ट अपने घर में नहीं था तो थॉमस उसकी बुक पढ़ता है। इससे उसे गेराल्ट के रियल नेम का पता चलता है जो कि एक काफी अच्छा राइटर था जिसने कई सारी बुक्स लिखी हुई थी। दूसरे सीन में हम थॉमस और जोहाना को साथ में इंटीमेट होते देख सकते हैं क्योंकि थॉमस को उससे प्यार होने लगा था। पर एक रात वो जोहाना को फिर से अपने डैड इथन से मिलते हुए देखता है तो बोलता है उसे इथन से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। अब जोहाना को भी समझ नहीं आता वो क्या करे। वो इथन के साथ थॉमस से भी प्यार करने लगी थी पर वो डिसाइड करती है कि वो उन दोनों से ही ब्रेकअप कर लेगी। इसके बाद थॉमस इथन को फोन पर जोहाना के साथ फाइट करते हुए सुनता है तो उसे लगता है उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। और फिर कुछ दिन बाद इथन के घर पार्टी होती है। थॉमस मिमी के साथ गेराल्ट को भी इनवाइट करता है पर इस पार्टी में जोहाना भी आई थी। और जब जोहाना अकेली होती है तो गेराल्ट उसे बात करता है। वो उसे बोलता है उसने अगर थॉमस का दिल दुखाने की कोशिश भी की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर जोहाना को काफी अजीब लगता है, वो वापस पार्टी में जाने लगती है तो तभी थॉमस उसे रोक लेता है। जोहाना बताती है उसके डैड ने उसे प्रपोज किया है इसलिए वो थॉमस से ब्रेकअप कर लेती है। ये सब देखकर थॉमस को काफी गुस्सा आता है, उसे लगता है उसके डैड जोहाना से शादी करने वाले हैं इसलिए वो सब चीज बताने के लिए अपनी मदर के पास जाने लगता है। पर वो देखता है उसकी मदर उस पल काफी खुश थी इसलिए वो अभी के लिए ये सब टाल देता है। वो काफी अपसेट हो चुका था इसलिए पार्टी छोड़कर जाने लगता है तो तभी मिमी भी उसके पीछे आती है, उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था। पर यहाँ थॉमस जोहाना के साथ रिलेशन के बारे में उसे सब बता देता है जिसे सुनकर मिमी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन थॉमस इथन के पास जाकर उसे जोहाना के बारे में सब बता देता है। ये सब पता चलने पर इथन काफी गुस्सा होता है पर वो किसी तरह खुद को कंट्रोल करके रोते हुए बाहर चला जाता है। यहाँ जोहाना थॉमस को एक पुरानी फोटो दिखाकर बोलती है उसे पता नहीं है इथन ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। थॉमस उस फोटो को देखता है जिसमें गेराल्ट भी उसका गेम देखने आया होता है। ये देखकर वो आकर गेराल्ट की बुक पढ़ता है तो उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है। इसके बाद वो गेराल्ट से मिलने चला जाता है। दरअसल थॉमस के मॉम डैड इथन जूडिथ और गेराल्ट ये तीनों काफी अच्छे फ्रेंड्स थे पर इथन और जूडिथ ने शादी कर ली लेकिन इसके कई साल बाद तक इनसे कोई भी बेबी नहीं हो पाया क्योंकि इथन को कुछ प्रॉब्लम्स थी। और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि ये बेबी के लिए गेराल्ट से हेल्प लेंगे। इसके बाद जूडिथ और गेराल्ट ने एक रोमांटिक रात साथ बिताई तो उससे थॉमस हुआ जो कि गेराल्ट का बेटा था। अब थॉमस गेराल्ट से मिलता है तो उसे गेराल्ट की बातों से पता चलता है वो और जूडिथ एक दूसरे से प्यार करने लगे थे लेकिन थॉमस की अच्छी लाइफ के लिए जूडिथ इथन के साथ ही रही। गेराल्ट का जब भी मन करता था वो थॉमस को देखने आ जाया करता था। इसके बाद मूवी में एक साल बीत जाता है। अब थॉमस और इथन का रिलेशन फिर से ठीक हो जाता है लेकिन इथन अब जोहाना से शादी करके उसके साथ रहने लगता है। वहीं जूडिथ भी 20 साल बाद गेराल्ट से मिलती है तो प्यार करने की वजह से उसके साथ ही रहने लगती है। और इस तरह सभी की खुशी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।